बिग बॉस एक ऐसा घर है जहां कई लोगों के कुछ रिश्ते बनते हैं तो कुछ रिश्ते बिगड़ते भी हैं। कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करके थोड़ा ड्रामा करते हैं और साथ ही रो रो के बड़ा तमाशा भी क्रिएट करते हैं। बिग बॉस का फिनाले आ गया है नजदीक और सब एक्साइटेड है बिग बॉस सीजन 10 के ग्रैंड फिनाले के लिए। और आज हम आपको बताएंगे कि इस सीजन के कौन थे क्राई बेबीज जिन्होंने रो रो के शो की टीआरपी को बढ़ा दिया। वेल, स्टार्ट करते हैं मोनालिसा से, जिनका असली नाम है अंतरा बिस्वास। वेल, मोनालिसा तो हर छोटी बात पे रोना ही सही समझती थी, चाहे वो फिर मजाक हो, किसी से झगड़ा या किसी पे चिल्ला देना। वेल, बिग बॉस के हाउस में मोनालिसा का दूसरा नाम था रोना। दूसरे हैं स्वामी ओम। स्वामी ओम जो किसी से लड़ते थे तो भी रोते थे, स्वामी ओम से अगर कोई लड़ता था तो भी वो रोते थे, अगर स्वामी ओम किससे लड़े तो भी वो रोते थे। तो वो थे बिग बॉस के सेकंड क्राई बेबी। तीसरी है लोपा मुद्रा राउत। रिसेंटली जैसे हमने देखा मंदाना करीमी के कुछ हार्श कमेंट्स करने के बाद लोपा मुद्रा 2 दिन तक कंटिन्यूस रोती रही। इससे पहले भी चाहे वो प्रियंका जगह हो या मनवीर, इससे पहले भी घर वाले लोपा को आराम से टारगेट करके उन्हें इजीली से रुला देते थे। नेक्स्ट इज बानी जे। बानी तो है वैसे काफी स्ट्रॉन्ग, लेकिन जब वो उसकी कुछ पर्सनल लाइफ पे बात आ जाती है तो उनसे उनका रोना कंट्रोल नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रोहन मेहरा। लड़कियों की बात तो मानो जैसे रोहन मेहरा का नाम आ गया था क्राई बेबीज के लिस्ट में। रोहन मेहरा का बिग बॉस से लड़ना या फिर उनकी क्लोज डियर फ्रेंड लोपा मुद्रा से उनकी कुछ नाराजगी, रोहन मेहरा हमें कई बार आंसू गिराते हुए नजर आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रियंका जगह एंड मनु पंजाबी, जो दूसरों से लड़ते हुए भी काफी नजर आए, लेकिन चोरी और चुपके से आंसू गिराते हुए भी नजर आए। वेल गाइस, आपको क्या लगता है बिग बॉस सीजन 10 का कौन होगा विनर? कौन लेके जाएगा जनवरी 29, 2017 को ट्रॉफी अपने घर? कमेंट्स के जरिए हमें बताएं और टेलीविजन के कई और गॉसिप्स जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को।